हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा कैंडी कैश ऐप का। कैंडी कैश ऐप एक आरबीआई सर्टिफाइड एनबीएफसी से आपको लोन दिलवाता है, ऐसा इनका कहना है। और कह रहा है कि 1,000 से 3,00,000 तक का लोन मिल जाएगा। अच्छा खासा टाइम रिपेमेंट पीरियड बता रहे हैं, एपीआर बता रहे हैं, सर्विस फीस बता रहे हैं और बहुत कुछ बता रहे हैं कि लोन कैसे लेना है। और एक आईडी दे रखी कॉन्टैक्ट करने के लिए। अब सवाल उठता है यहाँ पर, हम लोन लें कि नहीं लें, ये ऐप हमें लोन दे पाएगा कि नहीं। तो दोस्तों ये ऐप जो है, ये ऐप सही नहीं दिख रहा है। ये आपको या तो लोन नहीं देगा और टहलाएगा कि भाई अभी दे रहे हैं तभी दे रहे हैं, लेकिन लोन ना आए, आपका एप्लीकेशन वेटिंग में पेंडिंग में और रिव्यू में चला जाए और आपका डेटा कलेक्ट कर लिया जाए, या फिर आपको पैसा दे दिया जाए जबरदस्ती का आपके अकाउंट में, जो आप अप्लाई करें वो ना मिले, या अपने हिसाब से पैसा आपके अकाउंट में डालकर हाई इंटरेस्ट लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपसे वसूलने की कोशिश करें। आप नहीं दें तो ये आपको डराएं धमकाएं, और अगर आपने कुछ भी आनाकानी करी तो और कुछ भी ये कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने रिपेमेंट भी कर दिया तो तब भी आपका लोन क्लोज नहीं करेंगे और आपको परेशान करेंगे। ये सब कुछ कर सकते हैं, फेक लोन मैसेजेस भेज सकते हैं कि आपका लोन अप्रूव हो गया, जब आप देखें तो आपके अकाउंट में पैसा भी नहीं आए। तो ये सारा काम आपके साथ कर सकता है, ये सही ऐप नहीं है। इसकी अभी इस समय तो जो रेटिंग है और डाउनलोड्स भी नहीं बढ़ रहा है, हो सकता है आगे बढ़ जाए और आप फंस जाएं। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बना दिया ताकि आप समझ जाएं कि सही ऐप नहीं है, इससे दूर रहें। ये सिर्फ आपको परेशान करेगा, आपका पैसा और आपका डेटा दोनों ले लेगा, फिर आप परेशान रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। इस वजह से आपको इससे दूर रहना है, इसको डाउनलोड भी नहीं करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे, लोगों को जानकारी हो सके कि सही ऐप नहीं। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।